चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या पढ़ रहे थे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। कुछ समस्याओं के कारण हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे उसको, थोड़ा बहुत जान पाए थे। आइए हम शुरू करते हैं फिर से निरपेक्ष अपवर्तनांक से, ठीक है? एक रनिंग हैंड में जान लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को, ठीक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र लिखना हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हम लोग लिखते हैं सी अपॉन वी। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सी अपॉन वी, ठीक है? सी की बात करेंगे तो सी क्या हमने बताया, सी जो होता है हमारा, सी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। कहां पर? निर्वात में प्रकाश की चाल। और वी क्या है? माध्यम में कोई माध्यम होगा, ठीक है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है? एक क्या है, सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और वी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। हम बात करेंगे इसके मात्रक की, तो ध्यान देंगे बच्चों यहां पर सी का भी जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और वी का भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। और मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है और न ही इसकी कुछ क्या कोई बीमा होती है। समझ में आई बात? यानी अगर हमसे कोई पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, तो हम सीधे कह देंगे जो अपवर्तनांक होता है उसकी न तो मात्रक होती है और न ही क्या होती है कोई बीमा होती है, ठीक है? अच्छा, हमसे कोई पूछ ले कि अपवर्तनांक राशि कैसी है, ठीक है, तो हम सीधे शब्दों में कह देंगे कि जो अपवर्तनांक होता है किसी समांग माध्यम के लिए ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जो हमारा अपवर्तनांक है वो किसी समांग माध्यम के लिए कैसी राशि होता है? अदिश राशि। तो आप नोट करके लिख सकते हो यहां पर क्या, जो हमारा अपवर्तनांक होता है, ठीक है, ध्यान देंगे अपवर्तनांक, ऐसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपवर्तनांक किसी समांग माध्यम के लिए एक अदिश राशि होता है, ये बात क्लियर हो गई हमारा? जो अपवर्तनांक होता है वो किसी समांग माध्यम के लिए कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर
क्वांटिटी। अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हो तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है किसी होमोजीनियस मीडियम के लिए, कैसे मीडियम के लिए, होमोजीनियस मीडियम के लिए एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। आगे हम देखेंगे बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम के लिए, जैसे दो एक माध्यम का मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना, उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी क्या याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करना, एक तरफ माध्यम लिखिए और एक तरफ क्या लिखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। एक तरफ हमने क्या लिखना है, माध्यम, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, देखिएगा, निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए जो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, एक होता है। निर्वात के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, एक होता है, ठीक है। दूसरा माध्यम हम लेते हैं क्या, वायु, क्या लेते हैं, वायु। अगर हम वायु की बात करेंगे तो वायु के लिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चों, 1.003 यानी 1.003 या नियर अबाउट, इसको हम क्या लिखते हैं, एक के बराबर भी लिख लेते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पर हम कभी कभी वायु का अपवर्तनांक कितना ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी, जल की, किसकी बात करेंगे, जल। जो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चों वो कितना होता है, 1.33, क्या बोले तो 1.33, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं 4/3। समझ में आई बात ना, जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 या 4/3 होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कांच के लिए, किसके लिए, कांच यानी कि ग्लास, ठीक है। कांच के लिए अगर आप निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है बच्चों, 1.5 होता है, यानी 1.5, कितना होता है, 1.5, याद हो जा रहा है ना, कठिन तो नहीं लग रहा है, थोड़ा रट्टा है लेकिन ऐसा नहीं है कि कठिन है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हीरा के लिए, किसके लिए, हीरा यानी कि डायमंड, डायमंड आप लोग जानते ही होंगे, हीरा, ठीक है। जो हीरे के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2.42 यानी 2.42, कितना होता है, 2.42, क्लियर हुआ। हमारा जो है क्या, निर्वात के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, एक, वायु के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003 या लगभग किसके बराबर, एक के बराबर, जल के लिए कितना होता है, 1.33 या इसको हम क्या बोलते हैं, 4/3, क्या बोलते हैं, 4/3। कांच के लिए अगर हम देखेंगे तो कांच के लिए क्या होता है, 1.5 होता है, और हीरा के लिए हमारा कितना होता है, 2.42 होता है, क्लियर हो गया। इसको आप क्या करिएगा, एकदम से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो हो सकता है मुझे ना रटा हो तो दिमाग से मिस हो जाता है, ठीक है ना। अक्सर दिया तो रहता है लेकिन दिमाग में बनाए रखिए कि इनके लिए क्या होता है, ये चीजें होती है, कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आते हैं अपवर्तनांक के संबंध में कुछ और बातें जानते हैं, ठीक है। जैसे आप याद रखिएगा, ठीक है, हम बात करेंगे जो हमारा लाल कलर होता है, कौन सा कलर, लाल यानी रेड कलर जो होता है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आप देखते हो कि लाल रंग, अगर लाल रंग का कोई टार्च है, ठीक है, लेजर लाइट देखे होगे, ठीक है, लेजर लाइट लोग जलाते हैं, ठीक,
वो क्या होता है, सबसे दूर तक जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, आपके टावर के ऊपर, जो टावर लगे होते हैं टावर के ऊपर सिग्नल दिखाने के लिए लाल कलर लगा होता है, लगा होता है कि नहीं लगा होता है? क्यों लगा होता है? क्योंकि लाल कलर जो है ज्यादा दूरी तक जाता है, क्या होता है, ज्यादा दूरी तक जाता है, यानी उसकी वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्लियर है? यानी अगर हम बात करेंगे तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ऐसी स्टार करके आप कर सकते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। क्लियर हो? कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान देंगे, समांग माध्यम के लिए, यानी कोई एक माध्यम, निर्वात की अगर हम बात करते हैं तो निर्वात में सभी रंगों के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है ना? निर्वात में सभी रंगों के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, एक समान होती है, चाहे वो बैंगनी हुआ, चाहे वो लाल हुआ, चाहे पीला हुआ, चाहे हरा हुआ, चाहे नारंगी हुआ, कोई भी रंग हुआ, समझ में आ रही बात ना? हमारे सातों रंगों की जो चाल होती है निर्वात में क्या होती है, एक समान होती है। तो हम लिख सकते हैं दूसरे नंबर में नोट करके, क्या निर्वात में सभी रंगों के लिए प्रकाश की चाल समान होती है। समझ में आ गया? यानी निर्वात में सभी रंगों के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है, समान होती है, लेकिन ये कहां होती है, निर्वात में। समझ में आ रही बात? आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप ताप बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, ताप बढ़ाते हो, टेम्परेचर, यानी किसी माध्यम का आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ताप बढ़ा दिया, तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, घट जाता है। यानी ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। समझ आई बात? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो नोट नंबर 3 हम बना सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। क्या होता है, घटता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अपवर्तनांक का मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? यानी टेम्परेचर बढ़ाए तो अपवर्तनांक का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर? कोई डाउट? यहां पे देखिएगा, होती होती डबल बार लिखा गया था, तो उसको आप डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, समान होती है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं, एक चीज देखिएगा बच्चों, जो लाल कलर की, यानी यहां पे आपने देखा कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसकी जो है वेलोसिटी भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। क्यों? आप लोग जान रहे हो क्या होता है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, होता है कि नहीं होता है? आप जानते हो कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, यानी यहां से देख रहे हो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, लैम्डा के, हो रहा है कि नहीं? वैसे भी हम जानते हैं v क्या होता है, इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा के, है कि नहीं? तो यहां पे n क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है,
आपको पता है कि अपवर्तनांक का मान बदलता नहीं है, सॉरी एन जो होता है आवृत्ति नहीं बदलती है, क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो जब आवृत्ति नहीं बदलती है तो ये कॉन्स्टेंट होगी, तो यहां क्या होगा, वी प्रोपोर्शनल लैम्डा, क्या होगा, वी प्रोपोर्शनल लैम्डा, ठीक है ना, यानी लैम्डा अधिक तो वेग अधिक, लैम्डा कम तो वेग कम, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं क्या, लाल रंग की जो चाल होती है किसी माध्यम में वो सबसे क्या होती है, अधिक होती है, और बैंगनी रंग की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बता देंगे क्या, किसी माध्यम में लाल रंग की चाल सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, चाल अधिक कब होती है, जब अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। चाल अधिक कब होती है, जब अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान न्यूनतम होता है, क्या, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, न्यूनतम, तथा बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता, क्लियर हो रहा है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, न्यूनतम, तथा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ये सारी बातें याद तो हो रही हैं, कुछ थ्योरेटिकल पोजीशन है इसलिए थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझ में आ रही बात ना, तो इसको समझ में आ रहा है। वैसे सारी चीजें, कोई बात ऐसी तो है नहीं जो क्लियर नहीं होगी, ठीक है, 100%। हम देखेंगे बच्चों, अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्ध्य में एक सूत्र बताया गया है, ठीक है ना, जिसको कांची ने बताया, किसने बताया, कांची ने, ठीक है। आइए देखते हैं वो सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा उस सूत्र को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, अपवर्तनांक तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, इंग्लिश में बात करेंगे तो रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वेव लेंथ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वेव लेंथ, ठीक। ये क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, क्या होता है, रिलेशन समझ में आ गया, यानी म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, क्लियर। यानी वैसे भी आपको लग रहा होगा लैम्डा अगर अधिक है तो म्यू का मान क्या होगा, कम होगा, लैम्डा अधिक है तो म्यू का मान क्या होगा, कम होगा, अगर लैम्डा कम है तो म्यू का मान क्या होगा, अधिक होगा। पहले मैंने नोट्स में लिखवा भी दिया है,
ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य अधिक है तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत तेज नहीं। देखिएगा बच्चों, इसे कांची का सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कांची का सूत्र भी कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। आइए अपवर्तनांक के संबंध में कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो गमन कर रही है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करेगी तो वो बिना विचलित हुए कब जाएगी, यानी उसका जो विचलन कोण होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। विचलन कोण कितना होगा, जीरो। आइए जानते हैं, ठीक है ना, कब उसका विचलन कोण कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशंस होते हैं, क्या होते हैं, दो कंडीशंस। देखिए कंडीशन नंबर एक क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण अविलंब व तापतित हो, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, माध्यम एक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, माध्यम दो। समझ में आ रही बात, यानी ये मीडियम वन और ये मीडियम टू, माध्यम वन और माध्यम दो, ठीक। अब क्या होती है कि एक प्रकाश की किरण अगर ऐसे सीधे गिरी, समझ में आ रही बात ना, तो वो क्या होगी, दूसरे माध्यम में ऐसे सीधे चली जाएगी बिना विचलित हुए, ठीक। कैसे बताओ, ध्यान देंगे, अगर कोई प्रकाश की किरण, मान लो माध्यम वन का अपवर्तनांक कितना है, म्यू वन, और माध्यम टू का अपवर्तनांक कितना है, म्यू टू, ठीक है। तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, यहां कहेंगे स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। क्लियर हो गया। अच्छा, कोई प्रकाश की किरण अगर अविलंब व तापतित होगी तो उसका जो आई बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, जीरो अंश का। आई कितने अंश का बनेगा, जीरो अंश का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्या साइन जीरो, क्या लिखेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि अविलंब तापतित हो रही है, ठीक। अपान कितना होगा, साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपान क्या, म्यू वन, ठीक है। अब क्या होगा, आर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो अपान म्यू टू, और ये क्या होगा, इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, म्यू वन इज इक्वल टू फाइन आर के, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं क्या, जीरो बराबर साइन आर के, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, कितने अंश की जीरो होता है, साइन जीरो अंश का। तो यहां लिख सकते हैं साइन जीरो इज इक्वल टू साइन क्या, आर के, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। समझ में आ गया, यानी अगर कोई प्रकाश की किरण अविलंब व तापतित हो, कैसे आपतित हो, अविलंब व तापतित हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि उसका जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण के बराबर होगा, और वो भी कितने अंश का होगा, जीरो अंश का होगा, ठीक है। तब प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। समझ में आ गया, यानी प्रकाश की किरण कब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जब उसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कितने अंश के बराबर होगा, जीरो अंश के बराबर होगा, यानी दोनों कोण आपस में बराबर होगा और वो भी जीरो अंश का होगा। तब क्या होगा, हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए आगे जाएगी, यानी वहां पे विचलन कोण कितना आएगा बेटा, जो
इस कंडीशन में हमारा विचलन कोण कितना होगा, विचलन कोण की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा विचलन कोण होगा, ठीक है ना, यानी इसको हम किसे दिखाते हैं, डेल्टा से, किसे दिखाते हैं, डेल्टा से, ठीक है ना। विचलन कोण कितने अंश का होगा, जीरो अंश का, यानी इसमें कोई विचलन नहीं होगा। समझ आ गया पहला कंडीशन, यानी हमारी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब अविलंबवत आपतित होगी, यानी कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, वो भी कितने अंश के, जीरो अंश के। क्लियर हो गया। कंडीशन नंबर दो को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंडीशन एक को समझ में आ गया सबको, ठीक, बहुत अच्छा। ध्यान देंगे, अगर हम कंडीशन दो की बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकलेगी। कब निकलेगी, ठीक है ना, जब क्या होगा, जब पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यदि क्या है, म्यू वन बराबर कितना है, म्यू टू है, तो क्या होगी, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए जाएगी, ठीक है। यानी जब क्या होगा, म्यू वन बराबर क्या होगा, म्यू टू, यानी दोनों माध्यम के अपवर्तनांक क्या होंगे, समान होंगे, तब हमारी प्रकाश की किरण क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए जाएगी। और यहां पर क्या होगा, डेल्टा यानी विचलन कोण कितने अंश का होगा, जीरो अंश का। समझ में आ गया कि नहीं, ये दो कंडीशन सबको समझ में आ गया, ठीक। आइए आगे हम लोग जानते हैं बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। और सापेक्ष अपवर्तनांक समझने से पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या जानेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक। ध्यान देंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यानी रिवर्सबिलिटी ऑफ लाइट रेज। समझ में आ रही बात, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, आइए थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, इधर हमारा कोई एक माध्यम है, यानी कि माध्यम वन, ठीक है, और इधर हमारा कोई दूसरा माध्यम है, माध्यम दो, ठीक है। अगर एक प्रकाश की किरण, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि उसके पथ को उत्क्रमित कर दिया जाए, यानी कि उसके पथ को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है ना। कैसे उल्टा करेंगे, जैसे इसके बीच में हमने क्या किया, एक मिरर लागे रख दिया, एक दर्पण रख दिया, क्या रख दिया है, दर्पण, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए क्या होगी, स्रोत तक चली जाएगी। समझ में आ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि हम उसके मार्ग को उत्क्रमित कर दें, यानी कि उल्टा कर दें,
ठीक है ना, यदि हम उसके मार्ग को उत्क्रमित कर दें तो वह पुनः उसी रास्ते से स्रोत तक क्या होती है, जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया, लिख दूं क्या, स्पेस प्रॉब्लम है थोड़ी सी, फिर से एक बार रट लीजिए। ठीक है, क्या यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, और यदि उसके मार्ग को उत्क्रमित कर दिया जाए, यदि उसके मार्ग को क्या किया जाए, उत्क्रमित कर दिया जाए, तो वह पुनः उसी रास्ते से, वह पुनः उसी रास्ते से स्रोत तक जाती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, पक्का लिख दें कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो यहां थोड़े से भी लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक, क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि उसके पथ को उत्क्रमित कर दिया जाए, तो वह पुनः इधर देखिएगा, उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए स्रोत तक जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है, अब इस स्क्रीन को पोज करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लें, ठीक है, ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये अपवर्तन में भी होता है और परावर्तन में भी होता है। समझ आ रही बात ना, ये जरूरी नहीं कि अपवर्तन में ही ऐसा हो, परावर्तन में भी, यदि हम इसको क्या करें, ऐसे अगर ये परावर्तित होगी, इधर जा रही होती है और इसके मार्ग में आप कोई मिरर रख दो, ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, उसी मार्ग का अनुसरण करके वापस वहीं चली जाएगी, ठीक है ना, तो ये परावर्तन में भी होता है और अपवर्तन में भी होता है। समझ आई बात, आप दोनों जगह इसको लगा सकते हो, ठीक, लेकिन यहां पे हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा फोकस कहां है, अपवर्तन पर है, ठीक है। यहां देखेंगे बच्चों, मान लेंगे पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है μ1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है μ2, ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, यहां हम क्या लिख सकते हैं, यदि आपतन कोण हमारा कितना है I, ठीक है, और ये अपवर्तन कोण कितना है R, ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या, यहां देखिएगा स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, μ2 अपॉन μ1, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। अच्छा, इसको 60 में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं 1 μ2, इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं
वन म्यू टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, अगर इसका मान हम बदल दिए, ठीक, तो हम इधर से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई, देख सकते हैं इधर से, साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू वन बटे म्यू टू, म्यू वन बटे म्यू टू, तो यहां लिख सकते हैं क्या, म्यू वन अपान म्यू टू, क्लियर। और इसकी जगह साइट में अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, टू म्यू वन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, टू म्यू वन, ठीक। अब दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि गुणा, ठीक है। तो जब हम गुणा कराएंगे बच्चों तो यहां क्या होगा, देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है तो मल्टीप्लाई आप करा लेना, तो यहां आई से क्या होगा, आई कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां मुझे मिलेगा क्या, वन इज इक्वल टू मिलेगा हमारा वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, वन म्यू टू बराबर, थोड़ा सा इधर आइएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन म्यू टू इज इक्वल टू टू वन अपान टू म्यू वन, ठीक है। यानी इसको एक और चीज पढ़ा जाता है, क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, समझ आ रही बात ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक को, किसको जानते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव, ध्यान देंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इंग्लिश जान लेंगे कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष, तो एक माध्यम है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, याद हो गया, क्या होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, क्या, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्लियर। आइए समझते हैं, जैसे यहां लिख दूंगा वन म्यू टू, ठीक है ना, वन म्यू टू, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम समझ में आ गया। अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या पढ़ेंगे, वन म्यू टू का मतलब क्या हो गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर ऐसा लिखा होता आप बताओ टू म्यू वन, तो इसको क्या पढ़ते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इसकी जगह क्या बोलते हैं,
दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक को दिख रहा, यानी यहां पे मैंने आपको बताया ये कैसे लिखा जाएगा, ये म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसकी जगह क्या ले सकते हैं, वन म्यू टू का मतलब क्या हो गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, समझ में आ गया, ऐसे किए हैं तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू, इसकी जगह, है ना, कोई दिक्कत, 100% समझ में आ गया, कोई डाउट, जैसे हम समझ सकते हैं और उदाहरण लेकर के, ठीक, इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है, अगर उदाहरण है तो आप उतार लीजिए, ठीक, जैसे यहां लिखो, मान लो ए म्यू जी, ए मतलब क्या होता है, एयर यानी हवा, जी फॉर क्या होता है, ग्लास, यानी इसको पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी इसको क्या लिखेंगे, म्यू जी बटे म्यू, समझ आया कि नहीं आया, यानी जो बाद में होगा वो पहले, ठीक है, और जो पहले होगा वो नीचे लिखा, समझ आए बात कि नहीं, 100% क्लियर हो गया, अभी इसमें न्यूमेरिकल जो बनेगा वो मैं न्यूमेरिकल लास्ट में लेके आऊंगा, ठीक है ना, और हर एक कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल होगा बच्चों, एकदम चिंतित नहीं होना, मैं सारा काम करके दूंगा तुम्हें, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि उसमें पार्श्विक विस्थापन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।